और अब चीन से दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बड़ी खबर आई है। जिनपिंग से ऑर्डर मिलने के बाद चीन में आखिरी मस्जिद भी तोड़ दी गई। चीन का सदाबहार दोस्त पाकिस्तान भी सब कुछ देखकर भी गूंगा बन गया कि उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाए तो अल्लाह की तरफ से उन पे कहर नाजिल हुआ है। कहर नाजिल हुआ है यानी क्लाइमेट चेंज वगैरह कुछ नहीं है, ह्यूमन राइट्स पे अगर कोई भी काम करेगा तो कहर आ जाएगा। कहर आएगा, जैसे अब चाइना वाले तैयार है इस चीज के लिए, उन्होंने ये इस्लाम को खत्म करने की कोशिश किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या अंजाम होगा? बुरा होगा, जैसे दुबई का होगा वैसे चाइना का होगा। जब आप इसराइल के साथ, इसराइल में जो है आप पैलेस्टाइन वालों के साथ ऐसे करेंगे तो हम भी आपके साथ ऐसे ही करेंगे। थोड़ी हम आपको यहाँ पे से ही आपके साथ अपना बिहेवियर रखेंगे। वहाँ मुस्लिम के राइट वायलेट हो रहे हैं और यहाँ हम उनको बाहर की कंट्रीज का बदला, जो यहाँ पर माइनॉरिटीज बसती हैं जिनको कहा जाता है वो पाकिस्तानी, हम उनसे लेंगे। अगर ये काम भारत में, अमरीका में, बरतानिया में या यूरोप में हो रहा होता तो इस वक्त आलम इस्लाम के अंदर ये हो रहा होता जनाब, पता नहीं इस्लाम को ख़त्म किया जा रहा है। दुबई में जो अभी थोड़ी देर पहले मंदिर बना है उस पर, लेकिन मैं इस चीज़ के साथ नहीं हूँ, लेकिन हम फिर भी तो बना उस बिल्ला किसी ना किसी तरह तरीके से हम फिर भी रिस्पेक्ट कर लेते हैं किसी को। ये कैसी रिस्पेक्ट है? आप कह रहे हो मैं उसके साथ नहीं हूँ तो बना उस बिल्ला, तो ये कैसी रिस्पेक्ट है? ये बताएं, जहाँ नॉन मुस्लिम के लिए मंदिर बनता है या उनको हकूक दिए जाते हैं, अब मुस्लिम कंट्रीज की हमारी वाली सोच है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? मुस्लिम कंट्रीज वो हमसे ज़्यादा पक्के मुसलमान है, सऊदी हमसे ज़्यादा पक्का मुसलमान है, शरीयत वहाँ ना। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, चाइना में जो आखिरी मस्जिद बची हुई थी जो कि अरेबिक स्टाइल में थी, यानी जिसको घुमत और मीनारी होती है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। वैसे तो चाइना में इससे पहले 16,000 से भी ज़्यादा मस्जिदों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। बहुत सारी मस्जिदों को टॉयलेट में कन्वर्ट कर दिया गया था, कई सारी मस्जिदों को लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया था, और भी कई सारी यूज़ के लिए वहाँ पर मस्जिदों का इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों। और आपको पता है वहाँ पर मुसलमानों को दाढ़ी रखने की भी इजाज़त नहीं है और मुस्लिम नाम भी रखने की इजाज़त नहीं है, और भी बहुत सारी पाबंदियाँ वहाँ पे है दोस्तों। मगर ये जो मस्जिद डिमोलिश हुई है, अगर यही सब कुछ भारत में होता दोस्तों, तो जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है और वेस्टर्न कंट्रीज है, ये भारत के ऊपर चढ़ दौड़ती। मगर आज ये जो हुआ, इसके ऊपर एक भी मुस्लिम कंट्री की हिम्मत नहीं हुई चाइना को कुछ बोलने की। तो दोस्तों, अब ये जो डिस्ट्रॉय हुई है मस्जिद, इसके ऊपर जो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, जो कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेकेदार बना फिरता है, इसके भी मुंह से आवाज़ नहीं निकली। और निकलेगी भी क्यों दोस्तों? क्योंकि चाइना तो इनका अब्बू लगता है और उनकी भीख पे आज तक जिंदा है। तो खैर, अब ये जो डिस्ट्रॉय की गई है मस्जिद, इसके ऊपर पाकिस्तानी महिलाओं के कुछ रिएक्शन निमरा जी ने लिए है, और आप ये रिएक्शन देखने के बाद में, रिएक्शन सुनने के बाद में आपके भी होश उड़ जाएंगे। किस तरह इसमें भी भारत को घसीटते हैं ये पाकिस्तान, ये आपको पता चल जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। पहले तो मतलब मैं यही कहूँगी कि उनको ऐसे करना नहीं चाहिए था, ठीक है? जारी बात है, जो इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश करेगा तो फिर उसका अंजाम अच्छा तो नहीं होगा। जैसे कि इन्होंने बेसिकली इस ये किया है कि वो रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस उसको ख़त्म कर सकें, ठीक है? इस्लाम का जो नामो निशान है वो ख़त्म कर सकें, तो वैसे करना तो इनको नहीं चाहिए था। मैं आपको जैसे मिसाल के तौर पर आपको बताती हूँ, जैसे दुबई है, दुबई में उन्होंने मंदिर वगैरह ये चीज़ें जो थी इंस्टॉल की, उन्होंने बनाई, तो वो क्या था, उन पर अजाब नाजिल हुआ। अजाब नाजिल क्लाइमेट चेंज था। नहीं, वो अजाब नाजिल, वो कैसे पता अजाब था? मैं बताती हूँ ना, वो दुनिया वालों ने उसको ये कह दिया है, ठीक है, वहाँ के लोगों ने कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से या बारिश बहुत तेज़ हुई, वो इस तरह डूब गया। लेकिन वो बेसिकली आप अगर देखें, अगर उसको रिलेट करें उस चीज़ के साथ, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाए तो ये अल्लाह की तरफ से उन पर कहर नाजिल हुआ है। कहर नाजिल हुआ है यानी क्लाइमेट चेंज वगैरह कुछ नहीं है, ह्यूमन राइट्स पे अगर कोई भी काम करेगा तो कहर आ जाएगा। कहर आएगा, जैसे अब चाइना वाले तैयार है इस चीज़ के लिए, उन्होंने ये इस्लाम को खत्म करने की कोशिश किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या अंजाम होगा? बुरा होगा, जैसे दुबई का होगा वैसे चाइना का होगा। दुबई तो अभी भी हमसे आगे है। आगे देखे ना, अब उनको एक तरफ से जैसे कहते हैं अल्लाह की तरफ से एक जैसे कहते हैं ना कि मिला है कि उन पर अजाब नाजिल हुआ, अभी भी वो सुधर जाएं तो शायद वो और मजीद की कर जाएं। देखे ना, अब पाकिस्तान में यहाँ पर जो बाढ़ आती है, कुछ भी होता है, वो सारा अल्लाह का, लेकिन यहाँ पे मस्जिदें वगैरह ये चीज़ें तो खत्म नहीं की जाती ना, या मंदिर तो नहीं बनाए जाते पाकिस्तान में? क्या ऐसे जो मंदिर बने हैं वैसा तो कुछ पॉइंट है, मंदिर तो मंदिरों पर तो खैर फंडिंग नहीं की जाती ना आपके मुताबिक। बिल्कुल, तो मैं यही कहूँगी चाइना वाले बस तैयार हैं कि उन पर भी अभी नहीं बनने चाहिए, आप ये बनने चाहिए। और इस्लाम और इस्लामिक प्रैक्टिसेस और मस्जिदों को ख़त्म किया जा रहा है। अगर ये काम भारत में, अमेरिका में, बरतानिया में या यूरोप में हो रहा होता तो इस वक्त आलम इस्लाम के अंदर ये हो रहा होता जनाब, पता नहीं इस्लाम को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि चीन में हो रहा है, मुसलमान खामोश है। ये मुसलमान दुनिया के डबल स्टैंडर्ड हैं।
कि जो चाइनीज हैं वो जिसे कहते हैं ना मस्जिदें ख़त्म कर रही है इम्पॉर्टेंट एरियाज में, दो तीन इम्पॉर्टेंट एरियाज में, इसका नाम है मॉस्क कंसोलिडेशन पॉलिसी। और ये बेसिकली इनफैक्ट अगर देखा जाए तो दिस पॉलिसी इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दिस पॉलिसी इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। दुनिया का कौन सा मुल्क आपको कहता है कि आप अपनी मस्जिदें जो हैं वो ख़त्म कर दें? ये आपको सिर्फ कौन कहेंगे? चाइनीज़ कहेंगे। और आपको खामोशी कहाँ से नज़र आएगी? आलम इस्लाम से। ये ईरान होता, पाकिस्तान होता, कोई भी मुल्क होता, अगर ये काम अमेरिका में हो रहा होता तो आप देख लेते कि ये क्राइसिस पैदा हो जाना था, लेकिन क्योंकि चीन में हो रहा है खैर कोई मसला नहीं, चीनी साढ़े भरा ने नहीं बने। क्यों? देखे ना, वो एक इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, को रिप्रेजेंट करता है या फिर अदर रिलीजियंस को, अदर रिलीजन को या इंडिया वाले ज्यादा इस चीज को मंदिर वाला को मानते हैं, ठीक है, तो वो उनको रिप्रेजेंट करता है, तो ये चीजें मतलब सूट नहीं करती, ठीक है। जैसे अब पाकिस्तान जैसे हर ममालिक में जो है डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं, ठीक है। अब चाइना में वैसे उनका तुक नहीं बनता था कि वो इस तरह मस्जिदों वगैरह को खत्म करते। अच्छा, देखिए अब हमारी मस्जिद को खत्म किया गया, हमारे सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची। आप सोशल मीडिया पर खड़े होकर कह रहे हैं मंदिर ना बनाओ, उनके दिलों को ठेस नहीं पहुंचेगी? यानी हमारे सेंटीमेंट्स उनके सेंटीमेंट्स गलत बनाए। जैसा कि अब पाकिस्तान में आप देख लें क्रिश्चियन, ठीक है, उनके वो सारे वो बने हुए हैं, ठीक है, थोड़े भी चर्च वगैरह बने हुए हैं, तो हम क्या, हम मेरी खुद काफी फ्रेंड्स हैं जो क्रिश्चियंस हैं, तो मैं उनके साथ वैसे ही मिलती हूँ, ठीक है, सब अपने अपने उस पर रहें, लेकिन ये तो नहीं है कि खत्म कर दो उस चीज को। आप कह रहे हो क्रिश्चियंस के चर्चेस बनाओ लेकिन हिंदुओं के मंदिर ना बनाओ, आप ये कह रही हो? नहीं, अगर हिंदू कम्युनिटी इधर रहती है तो बने, उनके लिए बनना चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं है, उनके लिए बनना चाहिए। यूएई में भी तो रहती है, अगर वहाँ बन गया तो फिर क्या हो गया? तो वहाँ पे देखे ना, वहाँ पे ज्यादा लोग ये नहीं है, ज्यादा लोग मुसलमान है और ये वो, लेकिन देखे कुछ लोग कहते हैं कि वो क्लाइमेट चेंज भी है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे। पढ़े लिखे हो, मुझे लग रहा था आप जरा साइंस को मानते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर गलत निकल गई है। देखें, रुके, अब यूएई की बात करते हैं, यूएई में ज्यादा लेबर कौन सा है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में बैठे हुए वो कौन है? वो इंडियंस हैं, इंडियंस हैं, वो नॉन मुस्लिम है ना, तो इसीलिए उन्होंने उनको प्रिविलेज देने के लिए या उनके, अब देखें कोई भी इंसान उसने अपनी इबादत को परफॉर्म करना होता है, हम बाहर जाते हैं किसी वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं, किसी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, सबसे पहले वहाँ पर क्या डिमांड होता है? नमाज पढ़नी होती है, मस्जिदें बनाओ। बिल्कुल, उनको भी तो अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए जरूरत है ना, कि वो कहाँ जाकर पूजा वगैरह करेंगे? डाउट उन्होंने ठीक नहीं, ये मैं ये गलत चीज नहीं कह रही, लेकिन मैं एक इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ, अगर उन्होंने एक गलत चीज वहाँ पे की तो क्या हुआ? मैं तो इस चीज को ही मानती हूँ कि उन पे इसलिए वहाँ पे कैर नाजिल हुआ, अजाब एकदम से पूरा दुबई डूबने वाला था, तो मैं कहती हूँ कि जैसी वो बनाना गलत चीज, जैसी वो बनाया उन्होंने साथ ही ऐसे हुआ, क्योंकि हमने उनसे कर्जे लिए हुए हैं, जिस मुल्क से कर्जे ले लें उस मुल्क से कहें खामोश रहें। मस्जिदें बंद की जा रही हैं, डिमोलिश की जा रही हैं, और मस्जिदों को कन्वर्ट किया जा रहा है सेकुलर यूज के लिए, ठीक है जी। और मतलब ये है कि इस इस्लामिक आर्किटेक्चर फीचर बदले जा रहे हैं, ये जो डोम्स होते हैं मस्जिदों मसाजिद के ऊपर। मैं अमेरिका भी गया हूँ, मैं यूरोप भी गया हूँ, मैं मिडल ईस्ट गया हूँ, हमने पूरी दुनिया जितनी को मेरी मैंने ट्रैवल किया है, मैंने देखा है अमेरिका के अंदर जो मुसलमान हैं दोस्तों, उन्होंने वो इजाजतें ली हुई हैं कि वो कर सकते हैं जनाब, मीनार रख सकते हैं। अब तो ये इजाज़त ले ली है कि अजान की जो आवाज़ है वो बाहर आया करेगी, जो कि पाकिस्तान में भी नहीं है। मैं कह रही हूँ मंदिर बनाना गलत चीज़ है, गलत। फिर बाढ़ तो बहरीन में भी आई है, बाढ़ तो और भी कंट्रीज में आई है, ठीक है, लेकिन मैं देखें ना, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो इस वजह से ऐसे हुआ है, ठीक है। अब चाइना वालों ने किया, हालांकि उनको इतनी नफरत क्यों है? देखिए हमारे सेंटीमेंट्स वो नहीं है, दूसरे बंदे के वो सेंटीमेंट्स हैं। देखिए नफरत हमारे इस्लाम ने भी कहा है कि नहीं आप, ठीक है ना, आप ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही, हमें उस चीज़ को हमें क्या है, ख़त्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको खुद बताया मेरे क्रिश्चियंस काफ़ी दोस्त हैं, मैं उनके तरीके उनसे वैसे ही मिलती हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं है, सबके अपने अपने राइट्स हैं, ठीक है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नो डाउट। नहीं कर रही आप वैसे, बट नहीं रिस्पेक्ट लोगों की, लाइक ये नहीं है जैसे अब चाइना में उन्होंने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को टोटली ख़त्म करने के, उन्होंने वहाँ गलत किया, उन्होंने मस्जिद वगैरह, तो मैं तो इसके खिलाफ जाऊँगी कि वो गलत। अब मस्जिद टूटी, मुझे गुस्सा आया, आपको गुस्सा आया, ऐसे ही किसी भी कम्युनिटी की
किसी भी कम्युनिटी के साथ इस तरह का कोई भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी, सबको गुस्सा आएगा। ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के सेंटीमेंट्स हर किसी के हैं। ठीक है, देखिए मैं कह रही हूँ चाइना में डिफरेंट रहते हैं लोग, उनका सबका बने, लेकिन ये उनका काम तो नहीं बनता था ना कि चाइना में क्या हो मस्जिदों वगैरह को तोड़े। मैं तो ये कहूंगी जो उनके प्रेसिडेंट है उनको इस चीज पे वो एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर दिए है शी जिनपिंग ने, गलत है, उनके खिलाफ होना चाहिए ना फिर, कुछ उनके खिलाफ कुछ होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पाया, यूएस कुछ भी नहीं कर पाया, गल्फ नेशंस कुछ नहीं कर पाया। जैसे लंदन है वहाँ पे भी देख ले, मेरी काफी फैमिली मेंबर्स वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे मस्जिदें वगैरह बनी है। ठीक है, तो वो तो कहते हैं कि वहाँ पे ज्यादा लोग मानते हैं इस चीज को, तो वहाँ पे क्या किया वो लंदन का प्रेसिडेंट वोट के कह के नई मस्जिद वगैरह खत्म कर दो। अच्छा। ये चीज तो गलत है ना, तो मैं तो इसके खिलाफ जाऊंगी, तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। वो एक्चुअली वो ना इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं, तो इसलिए, और ये तो हमारे इस्लामिक कॉन्सेप्ट में भी है कि एक मुस्लिम जो है और नॉन मुस्लिम्स कभी वो फ्रेंड्स नहीं बन सकते। चाइना दोस्त कैसे है? क्योंकि एक्चुअली हमें पता है कि वो लोग अपना जो है फॉरेन पॉलिसी को और फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं हो सकता ना, जैसे कि हमें पता है कि गवादर पोर्ट और चाइना मतलब ऐसे ही अपना फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन रखने के लिए हमारे साथ जो है अपना फॉरेन रिलेशंस सही रख रहा है। और हाँ, और वो मतलब एक मुस्लिम्स को जो है वो इस बात पर टॉलरेट नहीं करते वो चाइना में, और वो चाहते हैं कि मुस्लिम स्टेट्स को ही ख़त्म किया जाए, क्योंकि नॉन मुस्लिम मुस्लिम्स के साथ कभी फ्रेंड्स नहीं बन सकते, नहीं बन सकते कभी फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स कभी नहीं बन सकते। जो लॉयलिटी होना चाहिए वो तो बस अपने फॉरेन पॉलिसी को ही मेंटेन रखने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, वो कर रहे हैं और हम, हाँ, और हम भी इस वक्त जो हमारे इकोनॉमिक है बिल्कुल ख़त्म हुआ है, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन ही यही है कि कोई हमारे साथ ट्रेड करे। ये तो हमारे लिए बहुत अफसोसनाक खबर है। और वैसे भी जो है ना इंडिया वो टॉप 10 स्टेट्स में आ रहा है, वो पॉपुलेशन इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रॉन्ग है, और पाकिस्तान एटलीस्ट एक तो डरता भी है कि अगर हम इसके साथ थोड़े से मतलब अपने रिलेशंस ख़राब करेंगे तो हमें फाइनेंशियल इकोनॉमिकली भी हमें नुकसान होगा, और हमारे जो इसके फॉरेन रिलेशंस हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे साथ चाइना के साथ। अच्छा। जिसकी वजह से अगर चाइना, हाँ, अगर क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी चाइना पे डिपेंड करता है, वो इसीलिए क्योंकि उनके जो बहुत सी जो पॉलिसीज़ हैं, और जैसे हम देखते हैं सी पैक, वो सबसे बड़ा सी पैक पाकिस्तान में ही है ना, तो पैक इज़ अ फेल्ड प्रोजेक्ट, तो वो चाइना पाकिस्तान को ऑफकोर्स एड भी देता है और पाकिस्तान की इकॉनमी भी काफ़ी उसका प्ले है। तो मेरा ख्याल है कि ना पाकिस्तान इसीलिए चुप है, क्यों? क्योंकि वो समझता है अगर मैंने इस तरह का कोई भी आवाज़ उठाई वहाँ के मुसलमानों के लिए, तो मेरे पास जो चीज़ें आ रही हैं वो मेरी रुक सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और अभी तक तो हमने बच्चे देखे, बूढ़े देखे, जवान देखे, आज पाकिस्तान की लड़कियां भी देख ली कितनी नफरत इनके दिलों में भरी पड़ी है। और ये है पाकिस्तान का टैलेंट, को मदरसा छाप, इनको साइंस क्या समझेगा? इमरा जी साइंस की बात कर रही है, क्लाइमेट चेंज की बात कर रही है, ये मदरसा छाप बात कर रही है कि नहीं ये अजाब है, अल्लाह का अजाब, मंदिर बना इसलिए वहाँ पे अजाब आया। तो भाई जब बाहर कंट्री में आप जाते हो, यूके में, अमेरिका में, यूरोप में, वो तो क्रिश्चियन कंट्रीज है, तो वहाँ पे भी फिर मस्जिद नहीं बननी चाहिए। अगर इस्लामिक कंट्री में मंदिर नहीं बन सकता तो फिर क्रिश्चियन कंट्री में मस्जिद का क्या काम भाई? वहाँ पे तो आपको मस्जिद चाहिए, वहाँ पे सारे हकूक चाहिए आपको, जो ह्यूमन राइट्स की बातें वहाँ पे गाते हो। और किसी इस्लामिक कंट्री ने अगर हिंदुओं के लिए वहाँ पे टेंपल बनाया तो वो उनकी मर्जी है, वहाँ पे हिंदू काम करते हैं उतनी तादाद में, आपके पेट में क्यों दर्द होता है भाई? और ये इसी वजह से आज आपको यूएई से, दुबई से, जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं वहाँ से पाकिस्तानियों को डंडे मार के बाहर निकाला जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज तो दूर रही, वेस्टर्न कंट्रीज से भी निकालना चालू हो गया, मगर यूएई और दुबई में भी बहुत से पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ के पाकिस्तान भेजा जा रहा है, इसी का नतीजा है। ये माइंडसेट है पाकिस्तानियों का, और थोड़े बहुत लोग होंगे पाकिस्तान में जो दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं, इंसानियत के ऊपर बात करते हैं, मगर इस तरह के पढ़े लिखे नौजवान भी पाकिस्तान में बहुत भरे पड़े हैं दोस्तों। ये नफरत इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली, और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क जो है ना इन्हीं जैसे माइंडसेट के लोगों के वजह से होगा। ये बात करते हैं टैलेंट की, और ये है इनका टैलेंट, नफरत से भरा पड़ा। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।